कोरोना के संकट के बीच प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार 1 जून को सभी जिलों में एक साथ 3% ब्याज दर पर फसली रहन ऋण का वितरण करने जा रही है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि हर साल कृषक कल्याण कोष से 50 लाख रुपए का अनुदान इस योजना के लिए किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना में 7% ब्याज अनुदान राज्य सरकार वहन करेगी। उनके अनुसार लघु और सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए रहन ऋण के रूप में मिलेंगे। आंजना ने बताया कि किसान को अपनी उपज का 70% ऋण मिल सकेगा और बाजार में अच्छे भाव आने पर किसान अपनी फसल बेच सकेगा। इस योजना से किसानों की तत्काल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। रहन ऋण वितरण को लेकर सोमवार को विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किसान कोष से 50 करोड़ रुपए सहकारिता विभाग को किसानों के हित में देने की योजना बनाई थी, जिसको आज सभी सीसी बैंक के एमडीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अमली जमा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। 1 जून से जो किसान अपनी फसल को ग्राम सेवा सहकारी समिति में प्लेस्ड रख करके पैसा उठाना चाहे, उनके लिए द्वार खोल दिए गए हैं। ए और बी वर्ग की जो जीएसएस बढ़िया है उनमें यह व्यवस्था रहेगी, जहाँ किसान अपनी उपज जमा करा के जो आज का बाजार मूल्य है उसके अनुसार 70% किसानों को उसका ऋण मिल जाएगा।